सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे मसीह की आज लाइट नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छा क्लिप है मेरे पास और शायद आपने इसको देखा होगा। यहाँ पे एक यीशु मसीह की फिल्म दिखाई जा रही है, यानी कि एक दृश्य दिखाया जा रहा है। दृश्य हम सबके जीवन में बहुत बड़ा मेन रोल अदा करता है। ये दृश्य यमुना 8 का अनुसार है कि जब एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आता, यीशु मसीह भूमि पर उंगली से लिखने लगते हैं। मेरे से कई बार ऐसा होता है कि हम पाप में गिर जाते हैं और लोग हमें ताने मारते हैं, लेकिन जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हम पे दोष नहीं लगाते, वरन हमें पाप से आज़ाद करते हैं। हालेलुया। और जो लोग हम पे दोष लगाते हैं तो यीशु मसीह वहाँ पे एक बात कहते हैं, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मार, तुम में जो निष्पाप है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हम में जो निष्पाप है, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो पापी ना हो, सब पापी थे, यीशु मसीह निष्कलंक थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके चले गए। क्यों? क्योंकि उनको सारे पाप याद आ गए। मेरे जो हम किसी पे दोष लगाते हैं तो प्रभु तो पाप हमें खुद प्रकट हमारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जिक्र है कि यीशु मसीह उस स्त्री के पास जाके कहते हैं कि किसने तुझे सजा नहीं दी, मैं भी नहीं देता, जा और कुशल से रहे। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और यकीनन हमारे पापों के लिए उन्हें जान देकर हमारे पापों को हमारी जड़ से हटा दिया। अगर आज किसी का पाप में हो तो आपका स्वागत है यीशु मसीह के पास। हालेलुया। मेरे से पाप इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, और यीशु की क्षमा इतनी बड़ी है कि हर पाप की क्षमा हो जाती है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि जा बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए। एक बार सच्चे दिल से पुकार कर देखो, एक बार यीशु मसीह के पास आकर देखो, आपको पाप से निजात मिलेगी और आप आनंद जीवन के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें। जय मसीह की।